पैसे नहीं, पैसे नहीं दे। ओ बॉय, अरे जालिम इंसान स्लो कर लेना, मोड़ है यार। बहुत सा सर्दी में सब्जी से आया हूँ और सब्जी में वापस चला गया। ये ले लसदना वाले टूर का जो है ना वो प्लानिंग चल रही है व्हाट्सएप कॉल पे। मेरे बालों पे कमेंट हो रहा है, ये मेरे बाल नहीं है, ये मैंने बिल्ली मारी हुई है। वो जो काली बिल्ली की बात कर रहे थे ना आप, वो ये वाली उसके बाल है। पिछले 13-14 दिनों से मैंने बाइक नहीं देखी थी। और मज़े की बात यह है कि सुबह हम बाइक पे निकल रहे हैं और बाइक के ऊपर मैंने कपड़ा दिया हुआ है कब से पता नहीं, 13 दिनों से। और बाइक की हालत जो है ना वो ठीक है, बुरी नहीं है। वॉश करके बाइक खड़ी की हुई थी, बॉक्सेस लगे हुए हैं, अभी इन बॉक्सेस के अंदर सामान जाएगा। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं और बॉयज़ जा रहे हैं कश्मीर लसदना गंगा चोटी, और आपको बाकी रास्ते में अपडेट करते हैं। कुछ तैयारी चल रही है और बहुत ज़्यादा हैक्टिक। पिछला बल्कि वीलॉग भी एडिट हो रहा था, अभी उसको अपलोडिंग पे लगाया हुआ है और फिर दोबारा से तैयारी हो रही है। मैं सुबह 5 बजे पहुँचा था और सारा दिन एडिटिंग करता रहा वीलॉग की, इसलिए थोड़ा सा टाइट स्पॉट चल रहा है। सुनसान जगह पे खड़ा होकर हैदर भाई का वेट कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस बिहेवियर हैदर भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, चेक दिस बेबी। कल मैं पहुंचा लाहौर सुबह 5 बजे और अगली सुबह 6:30 बजे हम आज़ादी फ्लाई ओवर पर हैं और हम जा रहे हैं गंगा चोटी लसदना। 3 दिन का टूर है, जान तो नहीं है। इजाज़ भाई का टूर है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने कहा ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम। मीटअप वाज एक्सीलेंट, आपने इससे पहले मीटअप की वीडियो देखी है, जो जो लोग मीटअप पे आए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल पाकिस्तान टूर के 2 स्ट्रेचेस जो समझे पूरे हो गए, जिसमें एक महीने वाला टूर था बाइक पे, उसके बाद 12-13 दिन जो विंटर टूर था सर्दियों में बाय एयर, और फिर उसके बाद एक बीच में छोटा सा डी टूर तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने कश्मीर को टच नहीं किया था, इसलिए कश्मीर को टच करना ज़रूरी था और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आई और आई टुक इट। जैसे ये टूर कंप्लीट होगा मैं 2-3 दिन की रेस्ट करूँगा और फिर हम जाएंगे ग्वादर की तरफ ऑल पाकिस्तान टूर के लास्ट स्ट्रेच को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह, और फेब में ही ये टूर कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दिन हम आपको बताएंगे कि कितना खर्चा हुआ और कितने दिन लगे और कितने किलोमीटर एंड ऑल डैट। राइड शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक इबाद एंड हिज फैमिली और ओवरऑल कर दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मैं आपको बता नहीं सकता, कमाल के लोग हैं वहाँ के। अगर आप लोगों ने वो वीलॉग्स नहीं देखे तो मैं उसकी जो वीडियोस के लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और या रीफिलिंग करवानी है बाय द वे, बहुत ही अरसे बाद ये गोप्रो माउंट हुआ हेलमेट के ऊपर, मेरे हेलमेट का वाइजर नहीं खुल रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बट यू नो लाइक यू नो इट्स क्यूल ब्रो। बाइक्स कौन कौन सी हैं, वी हैव 1 YBR बल्कि 2 YBR RX3 हैदर भाई और अब्दुल्ला भाई GS 150 पे। सो आई होप कि आपको ये हमारा सफ़र पसंद आएगा क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को पता नहीं है। सी यू गाइस ऑन द अदर साइड। रीफ्यूलिंग टाइम, अरे भैया पैसे ले, 1250 का पेट्रोल डाला, लाहौर से 20 किलोमीटर तकरीबन है। राइट साइड ठीक है, मेरा वाइजर खुल नहीं रहा था, वाइजर को हमने सेट कर लिया, रिफ्यूलिंग करवा ली है। सबकी बाइक इतनी साफ है, मेरी बाइक इज वेरी डर्टी, ऑलवेज डर्टी। 13 दिन बाद बाइक निकली है, इंशाल्लाह होपफुली सफ़र अच्छा रहेगा। ईंट आ गई थी, ईंट ईंट के ऊपर से गुजरे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई इश्यू नहीं है।
साइकोलॉजिकल वाइब्रेशन आ रही है। हाँ सही है, थोड़ी देर स्लो चलाएं बेशक, थोड़ा सा एजाज भी कंफर्टेबल दे रहे हैं सिनेरियो ताकि वो आराम से यू नो यूज्ड हो जाए, क्योंकि जब ऐसा इम्पैक्ट आता है ना उसके बाद बंदा थोड़ा सा उसके ऊपर आफ्टर शॉक जो है ना वो फिर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनके पेस के मुताबिक हम चल रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, कोई डैमेज नहीं हुआ, तो थिंग्स आर स्मूथ। यस ऑलराइट बॉयज, दो बॉयज जा रहे हैं, ऐसे में छुट्टियां हैं तो सारे लोग जो है ना वो अवेल कर रहे हैं टूर्स पे निकले में, मे बी हम भी वहीं जा रहे हैं जहाँ वो लोग जा रहे हैं, लेकिन हम तो चाय पियेंगे, अरे चाय के बिना जो है ना गुजारा नहीं है वो। ओ नाइस मीटिंग यू ब्रो, बढ़ गए बढ़ गए, ओ भाई इतने दिनों बाद मोटरसाइकिल चलाई, इट्स फीलिंग वेरी गुड, जंग लग गया था इसको खड़ी खड़ी को। ओ बेबी आई मिस यू, तेरह दिन बाद आया हूँ तो स्टार्ट करने में थोड़ा सा मसला हुआ था, बट यू नो इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। गोरी गोरी चाय आई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यार मर्जी होगी यार, कमाल है यार, वो एक्सीडेंट हुआ था टूट गया। ओए तू सैनिटाइजर बेच रहा, चुप कर जा। वो आइकॉनिक जो स्क्रीन थी ना वो इन्होंने भाई ने तुड़वा दिया, वो क्रैश में ना बढ़ गई थी, खैरियत रही सारी, अल्लाह का शुक्र। मैं एक बंदे का वेट कर रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं? हम लसदना गंगा चोटी, गंगा चोटी, गंगा चोटी, मैं गिलगित की तरफ जा रहा हूं। ओ भैंस डूड, फॉर्मेशन में बाइक चलाने का जो मजा है ना, वाह इट फील्स वेरी गुड। ऑलराइट मंदरा से राइट जा रहे हैं, आगे जैसा के बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। मैं तो बस फॉलो कर रहा हूँ भाई, मैं तो ना इस दफ़ा तो फॉलोअर बना हूँ, बहुत ही चिल मज़े में। मैं मर जाऊँ? हम मर जाए? क्रेजी नहीं, गाड़ी वालों को है कि हम मर जाए, हम सड़क का हाँ नहीं, क्या हुआ क्या ऊपर से जंप जंप बचाने के लिए वो बुलान वाला मेरी लेन में आ गया और मैं बढ़ते बढ़ते बचा हूँ, मैंने मर जाना था, पूरा टायर रिम टेढ़े हो जाए उसके सुबह उठा तो इंजन गायब हो जाए। जो करोला वाला नहीं किया था तुमने, तो लेन में रहो तो मैं मोटरसाइकिल, इनको समझ नहीं आती कि मौसम मोटरसाइकिल में बंदा बैठा है, हमें हमारे लिए अब नज़र ही नहीं आ रहे हैं, अब हम यूं करके उतरे ऊपर से ये ब्लाइंड कर्व में, ब्लाइंड कर्व में हमारी लेन, हमारी लेन में हैदर भाई को भी कैसे वो जीडी रोड पे आपने देखा गाड़ी वाला एकदम लेफ्ट हो गया, साथ चल रहे हैं पैरेलल, कोशिश ही नहीं उसका लेफ्ट वो कल्टस बहुत बुरा, ये हैदर भी बचे थे जैसे मैं के लिए पिछली बार हम कोटा पहुंच गए हैं और ये यूजुअल स्टॉप होता है, आपने पंचपीर जाना हो तो यहाँ से सवा घंटा पंचपीर का, मैंने तो नहीं कुछ नहीं, अभी हमने क्योंकि आगे जाना केबल नहीं है तो मैंने क्या करना, वॉइस बंद कर रहा हूं, आपने मुझे कन्विंस करना है कि क्या मुझे बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। RX3 और बिल्कुल लेनी चाहिए, काफ़ी देर से हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, आपका जो काम है उस हिसाब से एक आपका एक ये इक्विपमेंट है, तीन चार बंदों को जानता हूँ जिनके पास है, सबसे जो साफ रखी हुई बाइक है ना वो आपने रखी है, थैंक यू। एक तो ये कि आप चलाते नहीं, तो उस नंबर पे जब चलाते हैं तो फिर आप साफ के बगैर खड़ी नहीं करते। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने ये बाइक अभी ली तकरीबन 5-6 महीने पहले, 2020 का बाइक है यार ये, जुलाई में आया है, इसे हमने कर लिया ना स्कर्दू, कर लिया स्कर्दू वाला जो साई स्टोर वगैरह वो। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, लाइक थोड़ा सा मैं दूर ज़रा लुक्स दिखा देना कि मैं इस पर कैसा रखता हूँ, तो हैदर भाई से भी मैंने ये जाल से को मैंने भी हेल्प किया कैमरा मैन तस्वीरों के लिए, हैदर भाई जो है ना वो वीडियो पे पैसे नहीं पैसे नहीं दे अब्दुल्ला पैसे के लिए खड़ा
अगर आप कहेंगे तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि क्या हम इसको ले लें कि ना लें। दिल तो बहुत खींचते हैं ना भाई, तो बाइक मांग लेती है बात हमारी बाइक कर दी है चल। बस ये मसला नहीं, वो आप स्टैंड पे खड़े होकर उतर सकते हैं। हाँ वो कर रहे हैं वैसे, चाबी लगी हुई है बीच में। इजाज भाई क्या प्लान है, निकलते मैं कहता हूँ, चाबी लगी हुई यार इसमें। हम निकले जरा चलाए मैं आपकी वीडियो। भाई मैं निकलने का कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही निकल जाए। अच्छा बिल्कुल निकल जाए, फिर इधर को निकल जाए पतली गली आगे आ जाएगा वो बुलान वाला आ जाएगा। हाँ वो इधर ही मिल रहा है, मैसेज करता हुआ मैसेज करता, मैसेज नहीं जा रहा सिग्नल पर राइट लेन में जाता हूँ शायद। अच्छा वो देखो साफ करने लग गया यार, इसकी जिंदगी क्या है यार। अच्छा अभी देखा, अभी अभी ये इस पे फिर बात जब आएगी ना, कल जिस तरह वीडियो कॉल में कह रहा था लोग नहीं मुझे करने देते और कुछ, हां नहीं मैसेज में ग्रुप में कहा था, देखे ना प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। अच्छा मुझे हां क्या मतलब कीचड़ साफ कर रहा हूं, तुम एंजॉय करो राइड करनी है मैंने इतनी लंबी। अच्छा ये अब गंगा गंगा चोटी जा रहे हैं, गंगा चोटी कितनी देर है यहां से? अभी मगरिब से तो ज्यादा हो जाएगा डेफिनेटली, इतनी दूर है। हां भाई रबला कोट आएगा, बाघ आएगा, उसके बाद जंजा गंगा चोटी। शुक्र है अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा इंडिया में गंगा चोटी। गंगा गंगा के पास ही होगी गंगा चोटी के नाम से लेंगे भाई, मैं तो थक गया। लेंगे डेफिनेटली, फिर हम आपको वापसी पे लेते हैं। मुझे लेते जाना, मैं इधर लेट जाता हूँ आराम से। सुबह तक फ्रीज हो गए होंगे। ओ भाई रहन दो, फ्रीज माइनस प्लस माइनस इतने बस इंसान नहीं है। तो ये भी पॉइंट उसी एरिया के साइड आ जाता है, तो जाएगा यहाँ पे भी लो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि माइनस दो पे जा रहा था, लेकिन वहाँ माइनस सेवन था। उधर की बात कर रहा हूँ, टॉप की बात कर रहा हूँ, तो उधर तो शहर में माइनस सेवन था ना, इधर माइनस सेवन चला जाता। चले नमाज शमाज पढ़ के सब लोग निकलते हैं, कुछ नहीं करने का जिंदगी में। यार क्या खूबसूरत जगह शुरू हो गई है। अभी एक घंटे की ब्रेक लेके हम निकले हैं और मैंने रिकॉर्ड पर लिख गया था, लेकिन अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ज़बरदस्त सीन हो गया ना। पहले तो ऐसे मिट्टी वट्टी पड़े हुए थे, जितना सफ़र हमने अभी तक किया है उतना ही तकरीबन उतने ही घंटे और लगेंगे, 5 घंटे तकरीबन आगे लगेंगे। बाघ 100 किलोमीटर है यहाँ से और मौसम ख़राब हो गया है। मुझे लगता नहीं है कि बारिश होगी, जिस तरह का मौसम नहीं है कि बारिशें वाला, थोड़ा सा यू नो थ्रेट लेवल हाई हो गया मेरे ख्याल से। हम बाघ जा के रुकेंगे, रस्ते में एक रिफ्यूलिंग की ब्रेक लेनी है, हमने रिफिलिंग नहीं करवाई पंप से, हमने सोचा कि आगे से आगे करवाएंगे। और इस साइड में पहली दफ़ा आया हूँ, पहले मैं कभी नहीं आया। बाग में जो जो सब्सक्राइबर हैं अस्सलामुअलैकुम बॉयज़। पंजपीर इस तरफ है, पीछे से रास्ता जाता है अगर आपने जाना हो तो। पंजपीर का जो है वो 1.5 घंटे का रास्ता है तकरीबन उस पंप से। और हाँ क्योंकि हमने किया है, अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हैं मेरा पंजपीर वाला व्लॉग, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पढ़ा करो यार, क्या हो गया पंजाड़। अच्छा जी नरड़ जबरिया लेफ्ट पलंदरी रावला कोट आज़ाद पतन आगे सीधा। अब्दुल्ला को रास्ता पता है, अब्दुल्ला हमें गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, मैं इस दफ़ा से फॉलो कर रहा हूँ। चिल प्रोग्राम चल रहा है, ये स्टफ है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो यहाँ से भी पंजपीर जा सकते हैं। हम एक दफ़ा यहाँ से गए और एक दफ़ा पीछे से। बेहतरीन सादा, कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा और ये आपको मिल जाता। और अगर आप फिर भी कहते हैं कि हम कैसे करें यार, टाइम नहीं मिलता लड़के, इस्लामाबाद से 2.5 घंटे का रास्ता है एक सारा। जो दूसरा कैमरा यार वो बैग में पड़ा हुआ है, वो समझ नहीं आ रही मैं उसे कैसे व्लॉग करूँ। उसको ना समझना पड़ेगा, उसको लगा के मैं नहीं रख सकता क्योंकि ऑब्वियसली कहाँ रखूँगा उसको मैं रेडी करके, यू नो ट्राईपॉड के ऊपर, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसलिए मैंने रात जो है ना ये GoPro का सेटअप एक्टिवेट किया, इसका सेल डालने वाला था, सेल भी डाला, सब कुछ किया। तो अभी आप इसी से, क्योंकि बड़े अरसे बाद वीलॉग हो रहा है, मोटो वीलॉग। शुक्रिया 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 अंकल जी। अंकल जी को पता नहीं दिख भी रहा था, उन्होंने यहाँ हाथ वैसे ही दे दिया हाथ कि चले जाओ। लेकिन इस तरह होता है, कुछ लोग आपको रास्ता बता देते हैं कि भाई निकल जाओ रास्ता है, तो अच्छे लोग हैं। तो जी ये साइड जो है ना कश्मीर की, मैंने कभी नहीं की पहले, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। वो बॉयज आके निकल गए, ऑलराइट लेट्स डू दिस। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था मैं उसके ऊपर चुंडा वाली वीडियो पे, और ठीक है बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स किए आप लोगों ने,
येटी कह दिया, कोई येटी आ गया होगा, कोई पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। अब ये मोटरसाइकिल शुरू हो गया, फिर वही काम जो हमेशा से हम करते हैं, होपफुली वो भी इतना ही एक्साइटेड होगा। ओ बॉय, अरे जालिम इंसान स्लो कर लेना, मोड़ है यार, क्या कर रहा है क्या यार। हमारे साथ उस वक्त जेलम, तेरा जेलम चल रहा है, इसी को नीलम भी कहते हैं, पीछे ये नीलम होता है। यहाँ से जी हम कश्मीर में एंटर हो जाएंगे, जो मुझे लग रहा। लेट्स सी, यस डेफिनेटली रावला कोट 35 चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, लेफ्ट रावला कोट की तरफ जा रहे हैं हम, बुस्तर पलंदरी था। ओके रावला कोट 33 किलोमीटर, बंजूसा 51, तौली पीर 64, फॉरवर्ड को होटा हवेली 132। मजे का रोड, हाँ सही लीन कर रहे हैं आप, लैंडस्केप प्यारे हैं और रोड की वजह से और प्यारे लग रहे हैं, और कुछ लाइट ऐसी बनी हुई है, ऑफ रोड में मजा आया सर। आपने तो आज तबाही मचा दी, मुझे याद है 10 में से 11 नंबर मार रहे हैं आज तो। आज मैं असल में आपको मैं आई ट्राई टू स्टे मॉडेस्ट बट सम टाइम्स आई फेल। हां यू अनलीश द बीस्ट, आज वैसे ही हुआ। अच्छा आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आ गया हूँ, तो मैं पहाड़ों से आया था, फिर पहाड़ों में कश्मीर को हमने टच नहीं किया था ऑल पाकिस्तान टूर में, विदाउट आज़ाद कश्मीर ये कैसे हो सकता है। और बस हमने तो आना था तो हम आ गए, अभी 3 दिन में जितना भी होता है वो करके फिर हम वापस गवादर की तरफ शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अभी पहाड़ करने के मूड में ज़रा नहीं हूँ, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैंने 45 दिन जो है ना वो इकट्ठे कर लो तो मैंने पहाड़ों में गुजार दिए, तो अब इतना ज़्यादा नहीं, इसलिए अब हम जाएंगे पंजाब सिंध और बलूचिस्तान करने। ये तो सिर्फ इसलिए था कि कश्मीर इंक्लूड हो जाए, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, इजाज़त मैंने कहा कि चलें, मैंने कहा चलें लेट्स गो चेक दिस पे भैया। माशाल्लाह वहाँ नीचे से माया, नीचे आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा इतना नीचे से माया, रोड अच्छा होने की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है। बस इस तरह से रोड बन जाए ना हर जगह पे तो स्वैग हो जाए। ऑफ रोड के लिए ऑफ रोड ट्रैक्स होने चाहिए, इनको आप ऑफ रोड छोड़ दें क्यों, लेकिन भाई रोड चाहिए, रोड है तो मज़ा है, छोटी बाइक पर भी मज़ा है। रावला कोट, रावला कोट में कौन कौन है, लीमा गार्मेंट। 1.5-2 घंटा हम लोग लेट हैं, आइडियली हमें इस वक्त होटल में होना चाहिए था, लेकिन हमने बाघ से आगे जाना है, गंगा चोटी के नीचे जो होटल्स हैं, तो तकरीबन 2.5 घंटे एस्टिमेटेड टाइम है, पता नहीं अब क्या बनता है। कैलिब्रेट कर रहे हैं बॉयज़ रास्ता, धूप निकल आई है, शुक्र है मौसम साफ हो गया, सर्दी की शिद्दत मैं तो क्योंकि माइनस में रह के आया हूँ 2 हफ्ते, जिस वजह से मुझे सर्दी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा मुझे। हाँ मतलब धूप है तो मज़ा है, लेकिन हाँ सही था वो इतने घर है यार, क्या ये घर है या जो फ्लैट्स है, ये किस तरह का सेटअप है, ये होटल्स हैं सारे, होटल्स होंगे पता नहीं, मेरा पहली दफ़ा यहाँ, ये सारे ही होटल लग रहे हैं मुझे तो, घर तो कोई भी नहीं लग रहा, क्या है ये। ओ भाई ओ भाई, हेलो 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 हेलो, बिल्ली क्या हो गया यार, यहाँ घरों के बड़े फ़र्क हैं, बाकी घर जो सारी चीज़ें बनी हुई हैं ना, कंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप की है। चलो ये एक नई चीज़ें देखने को मिली, ये तो कोई शॉर्टकट ले रहे हैं बॉयस PSO के साथ अंदर की तरफ से, बच्चे कहते हैं अभी झूला दें, कैसे झूला दूँ लेट हो रहे हैं बच्चों, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। ओके सही है भाई, सफाई चल रही है तो देख लो, ये ऐसे ही है हर जगह पर, ऐसे ही है भाई, इसका कुछ नहीं कर सकता, व्यूज़ बदल जाएंगे
लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो बहुत मज़े का रोड है यार, यहाँ से ही जाड़ा पता लग रहा है। दरख्त बिल्कुल ड्राई मराई हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत, वॉक करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त आइडियल जगह। आज सारा व्लॉग इस कैमरे से ही हो गया, बस ऐसे ही है कुछ। बिल्कुल नीचे आके हम ऐसे वैली के ऊपर चढ़े, फिर अवलाकोट के बैक साइड से नीचे उतर के और फिर हम दोबारा ऊपर चढ़ रहे हैं। इतना आसान नहीं है, मैंने आपको समझा दिया सारा। कहाँ पे चल रहे हैं फुल टाइम बाग, बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है मेरा। दिस इज़ बाग फॉक्स, वो पुराना दरवाज़ा, वाओ मैं सीरियस। अब मेरे ख्याल से हमने क्लाइम लेनी है और गंगा चोटी की तरफ। ओ नाइस बाग नज़र आ रहा है सारा। खुश मिजाज लोग लगे मुझे भी यहाँ के, मैं अभी तक कंक्लूजन बता रहा हूँ, अभी तक जो मैंने लोगों को देखा है ना, लोगों के मैंने मुँह जो देखे हैं तो मुझे ऐसा लगा। अंधेरा होने वाला है, अंधेरे से पहले पहले हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे कमरे में, लेकिन फीलिंग ओके है, ठीक है, मज़ा आ रहा है। असल में मुझे ना इस वक्त क्योंकि एक इतने देर में बाहर आ गया हूँ तो मुझे पहाड़ उस तरह नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए। आई नीड पीपल। ओ लोग कैसे हो, सर्दी से आया हूँ और सर्दी में वापस चला गया। मैं तो क्योंकि माइनस में रह के आया हूँ दो हफ्ते, जिस वजह से मुझे सर्दी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा। साइडों पर स्नो पड़ी हुई है, सुमन गली। क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे यहाँ पे हिलाल नहीं नजर आ रहा हो और कुछ ढूंढ भाई। सुबह 6 बजे निकले थे ना हम, सुबह 6 बजे और हम 6:30 बजे पहुंचे हैं रात को। हिलाल की वो पड़ी है जेलीज, हिलाल की वाटरमेलन, वो ये बच्चों को आज बड़ी पसंद आई। देखा वो? नहीं मुझे नहीं आई यार, मुझे ऑफर ही नहीं कराई इसने। आज जितने फ्रीज हो गए ना टेम्परेचर -2। क्या बनाया था भाई के रूम का? हमें रूम मिल गया, अब हम अनपैक हो रहे हैं और चलो यार भाई स्नैक्स लेके आओगे? आगे लग गई है भाई बिल्कुल। और अच्छा भले हम बिस्तर में गुस्से हुए थे लेकिन हमें बुला लिया गया, अब कैसे जाना है यार, शूज़ पहनने पड़ने दोबारा। बहुत सख्त सर्दी है यार, बहुत सख्त सर्दी है। मैं तो क्योंकि माइनस में रह के आया हूँ मैं तो जो सिचुएशन है ना वो ये है, सारी बर्फ़ पड़ी हुई है, बाइक्स हमने अंदर कर दी हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हुआ है। लड़के कह रहे थे कि शायद मसला हो जाए तो, लेकिन होता नहीं है इतने टेम्परेचर में, बाइक्स को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं जमता अंदर। ओ भाई साहब पार्टी चल रही है इधर तो, पटाखे भी चल रहे हैं साथ लकड़ी के अंदर से। लकड़ी भी जो है ना वो बात करने की कोशिश कर रही है। तो पागल हो बाहर आ गए इधर जरा पटाखे यार पीछे निकल जाना भाई। ओए 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 यार ये आया इसके अंदर ये तो आया होगा पटाखा जो चला है। सुबह का क्या प्लान है? सुबह सुबह इंशाल्लाह, सुबह सुबह नहीं लाइक थोड़ा सा उठ के गंगा चोटी धूप निकला भी हमने जाना है ना। Yes. लसदना, हाँ जी दोपहर को लसदना। आज हम कितने घंटे में पहुंचे यहाँ? तकरीबन 14 13 घंटे 13 घंटे 12 में यार
12 घंटे में हमने मियां जी पे रुके, वहाँ खाना खाया और उसके बाद हम बात पे रुके, कहूटा टेम्परेरी स्टे किया नमाज के लिए, रुके थे हम कहूटा में। फिर उसके बाद कोई लंबा स्टे नहीं था हमारा, वहाँ अदा की और उसके बाद फिर हम रावला कोट रुके आके फ्यूलिंग के लिए रुके और थोड़ा सा जरा शेल पे चिट चैट की। हाँ जी, फिर उसके बाद में वैसे यही स्टे है अम्बे वाला फाइनल हमारा आज। अंदर ही चलिए उठा ना, क्योंकि हीट आ कोई नहीं रही है।